नमस्कार। कहते हैं कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी और सरकार गिर गई। वहीं पर तकलीफ सीधी सीधी दिखाई दे रही है। राहुल गांधी जैसे ही मध्य प्रदेश में आए हैं उनको तकलीफ हुई है और उन्होंने कहा है कि 2018 में सरकार गिर गई थी। वहीं पर जो है सिंधिया से कहा था कि मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए और सिंधिया की नहीं चली, तो सिंधिया अपने साथियों समेत भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन यहां पर आरोप का दौर लगा और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन सिंधिया ने मध्य प्रदेश आते ही पुराना 2018 में जो तकलीफ थी वो सीधी सीधी दिखाई दी है। लेकिन यहीं पर हम आपको बता रहे हैं कि मीडिया को भी आड़े हाथों लिया है, लेकिन मीडिया का क्या था? आपकी सरकार गिरी, आपके विधायक आपकी बात नहीं मानी। आखिर देखिए तुम तक न्यूज ही है विशेष खबर। प्रेस के हमारे मित्रों, मित्र तो हैं मगर हमारी बात कभी नहीं उठाते। देखो मुस्कुरा रहे सब, पीछे से प्रेशर है, रिमोट कंट्रोल पीछे है इनके, बेचारे का रास्ता बंद। अच्छा मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत गए, हमारी सरकार थी और करोड़ों रुपए लेकर 20-25 भ्रष्ट विधायकों को खरीद लिया और सरकार बना ली। मेरा कहना है हमने भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू की? क्योंकि सब लोकतांत्रिक रास्ते बंद थे, लोकसभा बंद, चुनाव का रास्ता बंद। मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीत के आए, प्रेस का रास्ता बंद, बाकी जो संस्थाएं इंस्टीट्यूशन है उनको सबको आरएसएस बीजेपी ने पकड़ रखा है, अपने लोग भर रखे हैं, जुडिशरी पे दबाव डाल रखा है, कोर्ट्स पे दबाव डाल रखा है। तो हमने सोचा एक ही रास्ता है और कोई रास्ता बचा नहीं है, सड़क पे उतरो, जनता से गले लगो, किसानों की बात सुनो, मजदूरों की बात सुनो, छोटे व्यापारियों की बात सुनो और उनसे सीधा जाके जुड़ जाओ। खास तौर से जो हमारी मध्य प्रदेश की जनता है आपको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। अब भैया अब ताली बजाने का टाइम है।